आज से 9 करोड़ साल पहले धरती काफी अलग हुआ करती थी। इस भूमि में आज के मुकाबले 9 करोड़ सालों पहले ज्यादा हरियाली थी, बड़ी पेड़ पौधे हुआ करते थे और आज जो आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ है वो पहले वर्षा वन हुआ करती थी। पर इस महाद्वीप से 6400 किलोमीटर दूर स्थित अर्जेंटीना की धरती पर कई ऐसे जीवों का विकास हुआ जो काफी चौंका देने वाले थे और उन्हीं जीवों के बीच एक काफी विशाल आकार वाला डायनासोर भी घूमा करता था और इसके चलने पर 3 किलोमीटर दूर तक के जीव यह जान जाते थे कि अर्जेंटिनोसोरस आ रहा है। ये शाकाहारी डायनासोर सिर्फ टाइटानोसोर के ही बड़े सदस्यों में नहीं बल्कि धरती पर अब तक के पाए गए किसी भी स्थलीय जीवों के मुकाबले काफी बड़े आकार के हुआ करते थे। हालांकि पैटागोटाइटन को धरती पर अब तक के मौजूद सबसे बड़ा जीव बताया जाता है पर इस पर बहस अब भी जारी है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार आकार के मामले में अर्जेंटिनोसोरस आज भी सबसे विशाल जीवों की लिस्ट में आते हैं। अर्जेंटिनोसोरस एक जायंट सोरोपोड डायनासोर था जो लेट क्रिटिशियस पीरियड में अर्जेंटीना की धरती पर घूमा करते थे। इस टाइटन के पहले सबूत सन 1987 को खेत में काम कर रहे एक किसान को मिली और बाद में उस स्थान को 2 सालों तक एक्सप्लोर किया गया। तब अर्जेंटिनोसोरस के थाई और कुछ रीढ़ की हड्डियां प्राप्त हुई पर सन 1993 में जब इसकी सभी हड्डियों को जोड़ा गया तो सभी हैरान हो गए क्योंकि उनकी हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा कमरा भी छोटा लग रहा था और इंसान के सामने ये विशाल इमारत सा प्रतीत होते थे। इस सोरोपोड की लंबाई 30 से 35 मीटर यानी 100 से 120 फीट तक होती थी और इसका वजन 50 से लेकर 100 टन तक होता था। अगर आपको यह मेजरमेंट समझ ना आ रही हो तो इतना समझें कि अगर ये खड़ा हो जाए तो ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग जितने हो सकते थे जो दिन भर में 1 टन यानी 2 विशाल आकार वाले पेड़ों को खा जाया करते थे। और इसकी ताकत इसकी विशालकाय शरीर ही थी क्योंकि अर्जेंटीना में 90 मिलियन सालों पहले जाइगेनोटोसोरस और मापुसोरस के झुंड जब इस टाइटन का शिकार करने के लिए जाते थे तो अर्जेंटिनोसोरस के पैरों के तले दबने से कईयों की चटनी बन जाती थी और जाइगेनोटोसोरस भी एक पूर्ण विकसित अर्जेंटिनोसोरस के सामने जाना पसंद नहीं करते थे और सामने जाने से ही घबराते थे। ऐसे कंडीशन में क्या हो अगर एक पूर्ण विकसित अर्जेंटिनो का उसकी धरती से 11,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले दहशत का दूसरा नाम टीरेक्स से लड़ाई हो। क्या एक अकेला टीरेक्स पूर्ण विकसित अर्जेंटिनोसोरस को मार सकता है या इसे भी समूह की आवश्यकता पड़ती? एक पूर्ण विकसित टायरानोसोरस रेक्स 12 से 13 फीट ऊंचे 43 फीट लंबे और 6 से 9 टन के मांसाहारी जीव हुआ करते थे जो अपने बाइनोक्यूलर विजन, मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स के लिए जाने जाते थे। इसके जबड़े में लगे शार्ट शार्प रेजर दांत की मदद से यह एक गाड़ी तक को 2 टुकड़े कर सकते थे, इसलिए किसी की हड्डियों को तोड़ना इसके लिए आसान बात होगी। शायद आपको ये बात पता ना हो कि एक टीरेक्स दूसरे कमजोर टीरेक्स का भी शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावे इसका मुख्य आहार ट्राइसेराटॉप्स और एडमोंटोसोरस हुआ करते थे। यानी टीरेक्स ने अपने पूरे जीवन काल में अर्जेंटिनोसोरस सा विशाल जीव नहीं देखा था और ना ही अर्जेंटिनोसोरस का टीरेक्स जितनी बाइट फोर्स वाले डायनो से सामना हुआ था। तो जब कभी इनकी आपस में लड़ाई होती तो पहले टीरेक्स अर्जेंटिनो का आकार देखकर ही बौखला जाता और अर्जेंटिनोसोरस के पतले हिस्से पर ही हमला करने की जगह ढूंढता क्योंकि अर्जेंटिनोसोरस के पैर भी काफी ऊंचे और मोटे हुआ करते थे जिसमें टीरेक्स के जबड़ों का आ पाना थोड़ा मुश्किल था और एक विकसित अर्जेंटिनोसोरस को मारने के लिए टीरेक्स को काफी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अगर अर्जेंटिनोसोरस का एक भी कदम टीरेक्स पर पड़ता तो टीरेक्स का काम तमाम हो जाता, इसलिए अर्जेंटिनोसोरस को अकेले मार पाना टीरेक्स की बस की नहीं होती। पर यदि टीरेक्स समूह में आते तो बाजी पलट सकती थी। लेकिन याद रखें, अर्जेंटिनोसोरस भीड़ में ही रहा करते थे तो ऐसे में एक पूर्ण विकसित अर्जेंटिनोसोरस को मार पाना टीरेक्स के लिए मुश्किल होता। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।